नागपुर के रॉयल पारे ऑडिटोरियम में 19-20 अक्टूबर को आयोजित अंतर योग विज्ञान उपचार शिविर में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। यह शिविर अंतर योग संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें मंत्र साधना और रोग उपचार की प्राचीन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। शिविर में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पक्षाघात, रीढ़ की हड्डी के विकार, श्वसन समस्याओं और तनाव जैसी बीमारियों में से जूझ रहे लोगों ने तुरंत स्वास्थ्य सुधार का अनुभव किया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ खुशबू परियानी की रिपोर्ट। लोग ऑटोमेटिक हील हो रहे हैं हमारे रिकॉर्डिंग से। मैं तो यहाँ होता भी नहीं हूँ, पर वो एक ही बार संकल्प किया कि आगे 10,000 साल भी लोगों सुने, उसका अनुभव मैं पाऊंगा कि सारे मीडिया ने ले, पब्लिक ने ले, डॉक्टर्स ने ले, पॉलिटिशियंस ने ले, फिर अपने धर्म के लोगों ने और परधर्मियों ने, सारे गुरु बाकी सब देख चुके, बड़े बड़े इस देश के जो गुरु मुझे मिले, उन्होंने एक ही बात से कहा कि आचार्य जी, हम भगवद्गीता पढ़े हैं, पढ़ाते हैं, आप वो भगवद्गीता जी रहे हैं। ये सर्टिफिकेट भाई बड़े बड़े इस देश के गुरुओं ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से पूरे विश्व भर सिर्फ साइंस ऑफ हीलिंग के नहीं, अर्थशास्त्र के कार्यक्रम भी, फिर लीडरशिप के प्रोग्राम्स भी, एजुकेशन में हमारे पास सरस्वती दीक्षा करके छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो वो बच्चे को हम बोलते हैं इवन इफ़ यू प्लान टू फेल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फेल। वो सारे बच्चे या तो स्पोर्ट्स में, या तो तुम्हारे संगीत में, या तुम्हारे कला में, या तुम्हारे पढ़ाई में अव्वल नंबर, फर्स्ट नंबर या टॉपर्स आना, या उनके पास क्रिएटिविटी आना चालू हो गया। अब ये इतने सारे चमत्कार कोइंसिडेंस हम उसको नहीं बोल सकते, ये हर एक के पास हो रहा है हर जगह पे। फिर कुछ लोग रिश्ते के लिए आते हैं, कुछ लोग मोक्ष के लिए भी, बड़े बड़े सन्यासी भी हमारे गुरुकुल में आके बोले कि आचार्य जी, हमारे पास बहुत साधक आते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है, संख्या तो बहुत लाखों में, आपके पास आज शायद संख्या कम है लेकिन परिवर्तन हो रहा है। तो हमारे कुछ एक दो सन्यासी आपके पास भेजते हैं कि वो पढ़ाते कैसे आप, ये वास्तविक सत्य है। मैं एक एक का नाम आज मीडिया पे अभी नहीं लेता हूँ, लेकिन हर संत का, हर गुरु का आपके पास मुलाकात करा सकता हूँ, कौन कौन मिले, फोटो भी तो कुछ दिखाए, तो वो सब कुछ इस तरह से चल रहा है।